हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, बट उनमें से बहुत कम उसको क्रैक कर पाते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स के लिए एक और ऑप्शन होता है, वो होता है स्टेट सिविल सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं पीसीएस, दैट इज प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपने अलग लेवल पे एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम पीसीएस, स्टेट पीसीएस बोलते हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम बोलते हैं। हर स्टेट के अंदर अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। सबसे पहले मद्रास में पब्लिक सर्विस कमीशन सेट किया गया था, डेट इज अंडर द मद्रास सिविल सर्विसेज एक्ट 1929, उसके तहत बनाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसके तहत हर स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात हुई थी। तो ये हर स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो हर स्टेट का जो अपने अपने स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है उसको कंडक्ट करता है। तो यहां पर जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है स्टेट का पीसीएस, स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम। अब यहां पर हर स्टेट का अपने अपने लेवल पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो भारत के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक या एस्पिरेंट जो कि सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होता है, वो यहां पर उस राज्य का, चाहे वो उस राज्य से बिलोंग करता है चाहे नहीं करता है, वो उस राज्य का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है, वो स्टेट पीसीएस दे सकता है। यानी कि एक स्टूडेंट अगर वो हरियाणा से बिलोंग करता है या फिर वो पंजाब से बिलोंग करता है, तो वो असम, मेघालय या अन्य किसी भी राज्य का पीसीएस भी दे सकता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी अन्य राज्य का पीसीएस देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहता है, वो रहता है उस स्टेट की अपनी जीके का, उस स्टेट की लैंग्वेज और स्टेट की जनरल नॉलेज का। यानी कि अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं और अगर आप असम का पेपर देना चाहते हैं, तो आपको स्टेट की सिर्फ जनरल नॉलेज आपको आती होनी चाहिए, जो कि उस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो आपको सिर्फ डिफरेंट जो होता है वो वही पढ़ना होता है, अलग से आपको सिर्फ वही चीज कवर अप करनी होती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अभिमन्यु आईएएस, दैट इज अभिपीडिया, दैट इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, जो कि पिछले 22 सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा निभा रहे हैं, जिसने 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर और प्लस स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर। तो हम अभिपीडिया, दैट इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, आपके लिए लेके आ रहा है स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक कंबाइंड कोर्स फॉर द एवरी पीसीएस ऑफ द इंडिया। आप भारत के किसी भी राज्य के पीसीएस के लिए अगर जाना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आए एक कंबाइंड कोर्स फॉर द ऑल पीसीएस ऑफ इंडिया, जिसके लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, हर स्टेट में जो डिफरेंस होता है वो रहता है उस स्टेट की जीके का। तो अभिमन्यु आईएएस आपको असम से लेके महाराष्ट्र तक, ठीक है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट का जो जीके होगा वो कवर अप करवाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए जाना चाहते हैं। अभिमन्यु आईएएस जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज में भी अपनी सेवाएं निभाता हुआ है, टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो अब स्टेट सिविल सर्विसेज में आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कंबाइंड कोर्स। कोर्स की बाकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। तो आज मैं यहां आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर एक स्टेट का डिस्कशन हम करेंगे। मैं आपको हर अपने लेक्चर के अंदर एक स्टेट के बारे में बताऊंगा, एक स्टेट पीसीएस के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा सिविल सर्विसेज, यानी कि हरियाणा का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। अब देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं, जो कि 1 नवंबर 1966 को सेटअप किया गया था, 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था हरियाणा सिविल सर्विसेज के को कंडक्ट करने वाली ये बॉडी, दैट इज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 1 नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, 10 दिन हरियाणा निकल के आया था, तो तभी बना दिया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए,
जानेंगे थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले 1930 में मद्रास के अंदर यह पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया था अंडर द 1929 एक्ट ऑफ द मद्रास लेजिस्लेचर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया, दैट इज 1935 एक्ट, जिसके तहत 7 राज्यों में 7 पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट, यू कैन सी हियर। उसके बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हर स्टेट में अपने अपने लेवल पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया उस स्टेट में सिविल सर्विसेज अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए, स्टेट पीसीएस की नियुक्ति करने के लिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग बनाया गया। एंड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 डिवाइड्स द पंजाब एंड हरियाणा, एंड तब से दैट इज फ्रॉम द 1st of November 1966 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो HCS का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसमें से कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, कहाँ कहाँ आप अपॉइंट किए जा सकते हो। तो सबसे पहले तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसके अंदर SDM वगैरह की बात हम करते हैं, उसके बाद DSP, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ETO, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, ए क्लास तहसीलदार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ETO, एंड ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर आप बन सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। ये वो वैकेंसीज हैं जो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर कंडक्ट की जाती है, इनके लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। इनमें से ये जितनी भी पोस्ट आपके सामने लिखी हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच को छोड़कर बाकी जितनी भी ये पोस्टें हैं ये सब ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, ये सब ग्रुप बी में आती हैं एक्सेप्ट द हरियाणा सिविल सर्विसेज, ये ग्रुप ए में आता है, दिस इज द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए, ये ग्रुप ए में आता है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, अब आगे बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि 2018 में यहां पर 166 वैकेंसीज आई थी और 2021 में 156 यहां पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अभी इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकला हुआ है, एग्जाम अभी अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा इसका और 2021 में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो 2022 में ये फिर से आने के चांसेस है, ठीक है। तो 2022-23 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए एक अच्छा मौका है हरियाणा सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज। अब इसके लिए आपको एक हरियाणा जीके ही तो अलग से पढ़ना है। अब एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट की यहां पे बात करें डीएसपी को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 42 इयर्स। हां, अगर आपके पास कोई बेसिकली रिजर्वेशन है, कुछ कैटेगरी है, तो आपको यहां पर भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डीएसपी के लिए कितनी होती है, डीएसपी के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 इयर्स, मैक्स 27, ये यहां पर एज लिमिट रहता है। अब बात करेंगे यहां पर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के तौर पे यहां पर चाहिए होता है सिर्फ एक बैचलर डिग्री, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, साइंस की फील्ड में, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी बैकग्राउंड में आपने सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, भारत से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मार्क्स मैटर नहीं करते, चाहे आपने 90% से पास करा है, चाहे आपने 60% से पास करा है, कोई मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता यहां पर सिविल सर्विसेज के लिए। आगे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर तीन पैटर्न रहते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम, फिर मेंस का एग्जाम, फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। अब प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स में यहां पर दो पेपर आते हैं, प्रीलिम्स में यहां पे दो पेपर होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का प्रीलिम्स रहता है, 100 मार्क्स ऑफ ईच पेपर, ठीक है। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, वो जनरल स्टडीज का होता है 100 मार्क्स का, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। उसके बाद होता है आपका सी सेट का पेपर, दैट इज ऑफ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका भी इसका जो मार्क्स रहते हैं वो 100 मार्क्स रहते हैं और ड्यूरेशन 2 घंटे का ही रहेगा। तो दो पेपर आपके पास होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहता है, 1/4 बोले तो 0.25, क्लियर, ये नेगेटिव मार्किंग रहता है। और बात करूं तो जो आपका सी सेट का एग्जाम है ये यहां पर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होता है, यानी कि अब देखो जो बच्चा प्रीलिम्स क्रैक करता है वो मेंस के लिए एलिजिबल होता है, वो मेंस के लिए एलिजिबल होता है, बट यहां पर प्रीलिम्स के जो मार्क्स है ये फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते, फाइनल सिलेक्शन आपको मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर ही मिलने वाला है। तो जनरल स्टडीज जो यहां पे होता है इसके मार्क्स आपको मेंस तक लेके जाते हैं, सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, जो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो आपको बताएगा आपका जीएस का एग्जाम, बट सीसेट क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए विद द मिनिमम 33%,
कम से कम 33% तो आपको सी सेट में लेने ही पड़ेंगे अगर आपको मेंस में जाने के लिए आगे बढ़ना है, यानी कि फिर जीएस के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, जीएस की कट ऑफ अगर आप क्रैक कर रहे हो तो जाके आप कहीं मेंस दे पाओगे। बट हाँ, पेपर का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है, आपकी चॉइस होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर का जो लैंग्वेज रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे मेंस की। अब मेंस जो होता है इसमें चार पेपर होते हैं, ठीक है, मेंस में चार पेपर होते हैं, 600 मार्क्स का टोटल मेंस रहता है। दो पेपर लैंग्वेज के होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का, एक हिंदी लैंग्वेज का, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स ईच। उसके बाद तीसरा पेपर यहाँ पे रहता है जनरल स्टडीज का, 200 मार्क्स का, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब और स्टेट का जीके। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर एस्पिरेंट्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, ठीक है, जो भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो भी वो चाहे चूज कर सकते हैं। देर आर 29 सब्जेक्ट्स गिवन बाय द एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर 29 सब्जेक्ट दिए हैं जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। हर पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का रहता है, वो 3 घंटे का रहेगा हर पेपर का ड्यूरेशन, और ऑप्शनल भी 200 नंबर का रहने वाला है, क्लियर। तो हर पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का आपको देखने को मिलेगा। तो दीज आर द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स जिनको आपको ऑप्शनल में चूज करना है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो, इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल यहां पे चूज कर सकते हो। चलिए, अब दो लैंग्वेज के पेपर थे और एक जीएस का था और एक ऑप्शनल का था, तो ठीक है, यहां पे आपको हर, अगर मैं बात करूं एग्रीगेट जो है, ठीक है, अगर आप एग्रीगेट 45% स्कोर करते हो एटलीस्ट, ठीक है, चारों पेपर का मिला के एग्रीगेट अगर आप 45% नंबर लेके आते हो कम से कम, तभी आप आगे वाले चरम की सीमा, चरम तक पढ़ सकते हो, बढ़ सकते हो, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की तरफ आप तभी बढ़ोगे जब आप एटलीस्ट 45% लेके आओगे। अगर आपके 45% नहीं, आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और जो लैंग्वेज वाला पेपर है हमारा, हिंदी और इंग्लिश, उसमें कम से कम आपके 33 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी में आपके कम हो, जीएस और ऑप्शनल में आप ज़्यादा ले लो, नहीं, आपके इंग्लिश और हिंदी में भी कम से कम 33% होने चाहिए। ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फिक्स किया गया है, ये फिक्स किया गया है। अब तीसरे नंबर पे आता है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, इंटरव्यू 75 मार्क्स का, ठीक है, तो इंटरव्यू तक आप जाते हो, उसमें आपको पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, इसको अगर आप क्रैक करते हो तब आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मेंस के मार्क्स जो कि 600 नंबर थे, उसके बाद ये मार्क्स जो कि 75 है, तो 675 में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाते, प्रीलिम्स के मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है, प्रीलिम्स का मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होते। तो ये हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करी है। भारत के किसी भी राज्य का कोई भी छात्र जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है, चाहे आप असम से बिलोंग करते हो, चाहे आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए आपको एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, वो होगी हरियाणा जीके। तो एक सुनहरी मौका, ठीक है, अगर आप फ्यूचर में यहां पर सिविल सर्विसेज के तौर पर अपना जो जॉब है वो लेना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। क्योंकि देखिए, एक स्टेट पीसीएस जो होता है वो भी प्रमोट होकर आईएएस या आईपीएस बन सकता है, वो आईएएस बन सकता है, एक स्टेट पीसीएस आईएएस बन सकता है एज पर द आईएएस। अगर मैं बात करूँ प्रमोशन एक्ट की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रमोशन एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आठ साल बाद स्टेट पीसीएस आईएएस बन सकता है, बट प्रैक्टिकली लगभग 20 साल लग जाते हैं, ठीक है, बट प्रमोट हो सकता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अभिपीडिया की, विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस, क्लियर, विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोर्स, ठीक है, आपके लिए लेके आया है। तो देखिए, अभिमन्यु आईएएस ने पिछले 22 सालों में 1500 से ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, हम सब प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो और एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम
कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जिसके चलते हुए हम आपको हर पीसीएस की तैयारी करवाएंगे, हर पीसीएस की आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्लियर, हर पीसीएस की आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो अभिमन्यु आईएएस ने यहां पर बहुत सारी सिलेक्शंस दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहां पर आगे भी आप भी हमारी टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आ सकते हैं, टॉप रैंकर्स का जो लीग है, टॉपर्स लीग है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस कोर्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो ये जो कोर्स है डेट इज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सीसेट प्लस जनरल स्टडीज कंप्लीट करवाया जाएगा। और अगर आप ट्रायल लेना चाहें तो यहां पर एक फ्री ट्रायल भी है, डेट इज ऑफ 20 डेज, देर इज अ 20 डेज फ्री ट्रायल ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, 20 दिन का फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए ताकि आप भी आगे जाकर सिविल सर्वेंट बन पाए। एंड देर इज अ फ्री डेमो लेक्चर्स कोर्स ऑल्सो, यू कैन ज्वाइन आवर मॉडर्न हिस्ट्री मॉड्यूल कोर्स, दैट इज फॉर द डेमो पर्पेसिस, आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। तो इफ यू वॉन्ट टू बिकेम अ सिविल सर्वेंट इन द फ्यूचर, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 2022-2023, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज्वाइन आवर कोर्स टूडे, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फ्री डेमो लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। एंड बाकी के जो कोर्सेज हैं उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देश सेवा में आगे बढ़िए, अपने आप को बूस्टअप कीजिए और मंजिल मिल ही जाएगी। तो और भी ऑप्शंस है, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का पीसीएस आप दे सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़िए। एंड आज हमने जैसे हरियाणा की बात की है, तो नेक्स्ट में मैं आपके लिए और भी सिविल सर्विसेज के बारे में, स्टेट और भी स्टेट के जो सिविल सर्विसेज हैं उनके बारे में आपके लिए जानकारी लेके आऊँगा कि उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है, क्या वैकेंसीज आती हैं, तो इसका अनुमान भी मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।